तो देखते हैं स्प्लिटर्स के साथ कितनी अच्छी लुक आती है। मुझे तो लगता है कि काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा, बाकी यार लाइट का बेड़ा गर्क हो गया मुझे बिल्कुल। ये K10 की जो है बैक लाइट है, तो मुझे पता है कश्मीर के मेरे काफी जो भाई लोग हैं वही सही बोला किसने ना। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं खुरम भाई की शॉप पे, तो स्प्लिटर्स जो है वो मंगवा रहे हैं, तो करवाते हैं अभी फिटिंग। तो देखते हैं स्प्लिटर्स के साथ कितनी अच्छी लुक आती है। मुझे तो लगता है कि काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा, बाकी यार लाइट का बेड़ा गर्क हो गया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जो पहले थे यार वो ज्यादा बढ़िया थे, ऐसे मैं भी पंगे करवाता रहता हूँ। बाकी स्प्लिटर्स देख सकते हो बड़े वाले साइज के आए हैं, फिट करवाते हैं फिर देखते हैं कैसा लगता है। पहली स्प्लिटर्स की जो है फिटमेंट हो रही है यहाँ पे देख सकते हो आप, दूसरी वो साइड पे बड़ी है, तो चाइनीज बेस के साथ ही लगता है ये। कुरम भाई और कोई तरीका होता है इसका लगाने का? हाँ, गाड़ी उठा के लिफ्ट लगा के फिर नीचे से, बट लिफ्ट का काम। अरे कहना क्या चाहते हो, चाइना का माल बहुत पक्का होता है ना, पक्का काम हो जाता है। चाइना की आइटमें बंद कर दी थी लोगों ने यार, वही सही बोला किसने ना। तो गाइस जो साइड वाले जो स्प्लिटर्स हैं वो लग चुके हैं, एज यू कैन सी इधर भी लगे, और मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखा देता हूँ। दूसरी साइड की आप स्प्लिटर ये चेक कर सकते हो, पेज के थ्रू लगे हैं। बाकी आपको खुरम भाई से मिलाते हैं, खुरम भाई की ये शॉप है बठिंडी में। तो खुरम भाई अच्छा मुझे बताओ आपके यहाँ पे किस किस चीज की मॉडिफिकेशन होती है? फिलहाल जो थार का टोटल पूरा सेटअप है वो नहीं है हमारे पास, बाकी थार छोड़ के कोई भी गाड़ी होगी आपसे मर्जी टेल लाइट भी मिल जाएगी। ठीक है, नया सेटअप ला रहे हैं रैप वगैरह का, बाकी अलॉय का है, इंटीरियर चेंज करना हो कस्टम, मतलब ऑल ओवर ए टू जेड सब मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको छोटी गाड़ियों का थार थूर जैसे बड़ी गाड़ियाँ उनका नहीं मिलेगा, बट ये बलैरो शलैरो का ही कर देते हैं, स्कॉर्पियो होगी। हाँ, थार का छोड़ के बाकी सारी इंटीरियर, थार का भी अगर इंटीरियर करवाना हो किसी ने इंटीरियर कर देंगे। ठीक है, तो बाकी आप देख सकते हो स्प्लिटर्स वगैरह, अगर किसी ने छोटी मोटी चीजें ऑर्डर करनी है तो वो भी आप ये ऑर्डर कर सकते हो। आप अपना नंबर बता दो। 8082637588। ये K10 की जो है बैक लाइट है, तो मुझे पता है कश्मीर के मेरे काफी जो भाई लोग हैं वो इन चीज के काफी तगड़े शौकीन होते हैं, ये पुंछ वाली साइड से, बट ये कि पुंछ में भी काफी क्रेज है इन चीजों का मॉडिफिकेशन का। तो ये देख सकते हो आप, एक ये है एक वो पुरानी, ये पुरानी वाली की है देख सकते हो। तो मिनी कूपर वाला मुझे काफी अच्छा लगता है, तो ये देख सकते हो मिनी कूपर का लाइट वो पड़ा हुआ। ये ऑल्टो 800 का, ये K10 में भी लग सकता है, नई वाली में सेम ही होता है, डिजाइन सेम है ना। तो ये आप किसी भी गाड़ी का मंगा सकते हो, K10 हो गए, ये नहीं कि ऑल्टो ही, आप दूसरी जैसे पोलो की लाइट होती है वो भी ये अरेंज करवा देती, बस ये कि थोड़ा टाइम लगता है ऑर्डर। हाँ, ऑर्डर करते हैं ये 2 या 3 दिन, ठीक है वो डिपेंड करता है। तो बाकी यहाँ पे एक्सेसरीज काफी है, ठीक है आप म्यूजिक सेटअप भी लगा सकते हो, मफलर पड़े हुए हैं यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा सब कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे आप। हाँ, तो नंबर आप फिर से बोल दो जोर से, मैं बार आवाज नहीं। 8082637582। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। चलो ये बढ़िया है। तो चलते हैं आप यहाँ से, लाइट्स भी लग चुकी हैं, स्प्लिटर भी लग चुके हैं, अब लाइट का रिस्पांस रात को देखते हैं कैसा है, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। हाँ, मैं घर जाऊँ यार, मुझे दर्द हो रहा है। तो गाइज अभी ना यार मैं थर्ड्स लगा दिए, अभी मैं जा रहा था तो एक भाई मुझे मिले हैं, मनीष बिश्नोई करके भाई साहब। तो भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, आप सुनाओ। बढ़िया, तो मुझे लगता है आप आर्मी में हो। हाँ जी, आर्मी में हो? मेरे पापा आर्मी में। अच्छा अच्छा, आपको भी मुझे लगता है आर्मी वाला, क्योंकि आपके लुक से ना, आपकी पर्सनालिटी से आर्मी का थोड़ा टोन आता है। तो आप राजस्थान से हो ना? एक्चुअली हमारी बात हो चुकी है, हमने काफी देर खड़े होकर यहाँ पे बात करी है भाई साहब से, काफी अच्छा लगा भाई से मिलके, बहुत अच्छा लगा यार आपसे मिलके। तो गाइस जो लाइट्स मैंने फिट करवाई यार, लाइट्स बिल्कुल भी काम की नहीं है, ब्रेजा की लाइट है और बिल्कुल लाइट नहीं है, देख सकते हो फोकस बिल्कुल है ही नहीं है, ना उधर कर रहा ना उधर कर रहा, और इसके 8000 रुपए भाई ने लिए जो कि बिल्कुल वर्थ नहीं है। तो आई डोंट लाइक द वर्क, बाकी कल मैं भाई के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा उनको मैं 8000 रुपए इस चीज के देने दे, इससे अच्छा मेरे जो फोग लैंप थे वो ज्यादा बढ़िया है, कि वो फोग लैंप पूरा वहां से लेकर वहां तक मारता है, मेरी वायरिंग खराब थी नहीं तो फोग लैंप मेरा बहुत बढ़िया चल रहा था। ठीक है, तो बाकी अब चलते हैं यार घर, चलते हैं घर पे, एक्चुअली मामू आया, मैं थोड़ा लेट हो गया था, थोड़ी सेटिंग करवा रहा था तो वहां पे सेटिंग करवाते थोड़ा टाइम लग गया। ये रोड पे इन्होंने रेत रखा है, वाह, वो भी चौक पे। तो चलो चलते हैं घर पे, और आज का वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं, और होप कि आपको अच्छा लगा हो, और
ऐसी अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी जो साइड स्कर्ट्स लगाए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा रिस्पॉन्स उसका। तो चलते हैं घर पे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे। चलो ठीक है, बाय।